गौहर जी, सबसे पहले अतरंग्स को लेके कितनी प्राउड फील होता है, सबसे पहले हमें ये बताएं। अतरंग्स को लेके बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप लोग बात कर लीजिए फिर मैं जवाब दे। थैंक यू। हाँ, तो अतरंग्स को लेके मैं मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं इनकी मेहनत देखती हूँ, आवेश की, जैद की, अनम की, नगमा की, अपने बलबूते पे आगे आए हैं किसी के सहारे के बिना। और अतरंग्स को देख के ऐसे मतलब सीना बिल्कुल ऐसे चौड़ा हो जाता है, दैट बिकॉज आई हैव सीन इट इन द लास्ट 6 months। मैं जैद को सिर्फ 6 महीने से जानती हूँ, लेकिन उस 6 महीने में मैंने जैद की इतनी मेहनत देखी है, क्योंकि ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं, जो सब आज वाव कह रहे हैं, ये स्क्रैच से लेके जो आप देख रहे हैं वो जैद ने डिज़ाइन की है और खड़े रह के उन्होंने काम करवाया है। तो आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज़ बिन एबल टू यू नो मेक सच अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। शायद इंडिया का पहला ऐसा कंटेंट क्रिएशन स्पेस है जहाँ पर आपको हर एक एरिया मिल सकता है। स्टूडियोज़ अलग अलग किस्म के मिल सकते हैं, एंटरटेनमेंट जोन मिल सकता है, वेदर इट इज़ टीवी शूट्स या फिल्म शूट्स या सोशल मीडिया शूट्स, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। एंड ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू यंग टैलेंट जो सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, वो यहाँ आकर चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस होंगे कंटेंट क्रिएशन के, सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट, एंड अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट हैज़ कम अप विद इट। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड एंड ऑल ऑफ द अतरंग्स मेंबर्स। तो अतरंग जी, ये जो नेम है, इस नेम को सुनने के बाद आपका किस तरह से आपके माइंड में आया कि जो नाम दिया गया अतरंग? एक्चुअली अतरंग्स इन लोगों ने ही क्रिएट किया था, क्योंकि ये जो कॉन्टेंट बनाते हैं वो काफ़ी अतरंगी होता है, और आवेज का ए भी है अतरंग्स में, नगमा का एन भी है, अनम का ए है, और जैद का जेड भी है। अब पता नहीं वो जी कहाँ से आ गया इसके बीच में, क्योंकि अतरंग्स बहुत ही पहले नाम बन चुका था, लेकिन इट्स क्वाइट अ गुड कोइंसिडेंस दैट इसमें जी भी है। तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, एंड आई नो दैट इट्स गोइंग टू डू रियली वेल। गौहर, जब से शादी हुई है लोग जैद और आपको साथ में देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमने आपके, लेकिन ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो कब देखने मिलेगा आपका? जल्द इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे मेरी फिल्म से टाइम मिल जाए, और मैं जो दो शोज कर रही हूँ और मेरे शूट्स जो चल रहे हैं, बट काफ़ी सारे ऑफर्स तो आ ही रहे हैं, बट वी वांट टू डू द बेस्ट, सो लेट्स सी इंशाल्लाह। राइट। ऑल्सो जो है अतरंग्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियो के लिए भी, शॉर्ट जो कंटेंट क्रिएटर है उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए? उनको भी नहीं, उनको ही आई वुड से, क्योंकि लोग ढूंढते हैं यार ये वीडियोस बनाने हैं कहाँ जाएं, और ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास जगह है नहीं यहाँ पर। जैसे कि अतरंग स्टूडियो में साउंड है, इट्स अमेजिंग, जो इन्होंने स्पेसेस क्रिएट किए हैं उसमें क्षमता है कि आप हर किस्म का कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ फोटोग्राफी, वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आई थिंक इट्स, आई वुड से प्रॉब्ली द फर्स्ट इन बॉम्बे, एटलीस्ट इफ नॉट इन इंडिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन इंडिया एज वेल, बट या आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैम। गौहर, शादी के बाद क्या चेंजेस देख रही है आप खुद में? मेरी शादी के अगले दिन से मैं शूट कर रही हूँ, और कल रात तक, कल सुबह 5 बजे तक मैं शूट ही कर रही थी, तो कोई चेंज ही नहीं है, गौहर वही है, बट जस्ट आई हैव समबडी टू लव मी डियरली एंड आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड। थैंक यू। कितना चेंज आ जाता है एक शादी के बाद, आपको कुछ इंजॉय करना और कुछ, आप कुछ चेंज इंजॉय करने के लिए? तो मैं वेट कर रही हूँ, मुझे एक हॉलीडे नहीं मिल पाई है मेरी शादी के बाद, बिकॉज लास्ट 15 डेज आई एम शूटिंग बैक टू बैक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल अप्रैल आई एम शूटिंग बैक टू बैक, सो आई थिंक जो भी हॉलीडे होगा वो उसके बाद ही होगा। सो दे गौहर, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विराट और अनुष्का को बेबी गर्ल हुई है, हो गई, यू वांट टू से अबाउट इट? ओह वाओ, कैन आई टेल यू समथिंग, आई थिंक विराट एंड अनुष्का माय फेवरेट कपल, बहुत ही जेन्युइन प्यार दिखता है उन दोनों में, एंड आई रियली विश देम कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज आई थिंक उनकी बेबी बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।